हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बजे है शाम के 7:45, बट ऐसा लग रहा है रात के 11 या 12 बज चुके हैं। अभी सर्दियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। एनीवे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है। व्लॉग की शुरुआत सुबह ही हो चुकी थी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल मेरी एक जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन होकर आज रखी गई थी, तो वो जो मेरी मीटिंग थी वो सूरत में थी, इसलिए सुबह सुबह मैं जल्दी रेडी हो गया मीटिंग में जाने के लिए। रेडी होने के बाद जब मैंने उस पर्सन को कॉल लगाया जिसके साथ मेरी मीटिंग थी, तो उसका कॉल नहीं लग रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कल के जैसे आज भी मेरा दिन वेस्ट हो जाएगा मीटिंग के चक्कर में। बट फिर 12:30 बजे उसका सामने से कॉल आया और हमारी मीटिंग 1:30 बजे फिक्स हुई। तो मैं फिर निकल गया सूरत के लिए। तो परशुराम गार्डन तो ये रहा। परशुराम गार्डन के आसपास कहीं पे ऑफिस है, रुकिए मैं कॉल कर लेता हूँ। हाँ, अपने भाई परशुराम गार्डन पर छू मैं। तमे पाछा फरीने आवो ने। ओके, टैटू वाली शॉप वाली लाइन में पाछा फरीने आवो, हूँ पेलो छू। ओके ओके सर। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुझे लेना था एक हेलमेट। बहुत टाइम से मैं एक हेलमेट लेने की सोच रहा था जिस पे मैं मोटो व्लॉगिंग कर पाऊँ। मेरे पास कुछ हेलमेट है बट वो अभी मोटो व्लॉगिंग करने के लायक नहीं है, तो इसलिए मैं हेलमेट लेने की सोच रहा था। हेलमेट लेने के लिए मैं नवसारी जाने वाला था। नवसारी में बहुत बड़ी हेलमेट की शॉप है, बट मीटिंग मेरी ख़त्म हुई 3:00 बजे, इसलिए यही सब चक्कर में मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सूरत में ही देख लेते हैं, यहाँ वहाँ अगर कोई दुकान मिल गई तो। ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि आज भाई दूज थी और भाई दूज के कारण आज सूरत में ऑलमोस्ट सभी दुकानें बंद थी। बट फिर भी मैंने एक चांस लिया और गूगल में सर्च किया। गेस व्हाट, मुझे एक हेलमेट की दुकान मिल गई। सो गाइस, मैं अभी आया हूँ ये हेलमेट की शॉप पे और यहाँ पे कोई है नहीं। एरिया कौन सा है क्या वो भी मुझे नहीं पता, मैं बस गूगल मैप में देखते देखते आ गया हूँ। अभी ये आया भैया। ग्लास हमेशा इसको इधर से ओपन करना है। अच्छा, ये याद है खटपुट में, ठीक है। वो जो राइडर लोग रहते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक प्रेस करा के फट देखे ऊपर, ठीक है। वन प्रेस में ये लॉक पूरा जोर से करेगा, हो जाएगा ना? पर ऐसे वन प्रेस हो जाएगा ना, ये जोर से करना है उसको, ये लॉक। अच्छा, ये अनब्रेकेबल ही ग्लास आता है। ओके, स्टील बोर्ड का है, ग्लास पे भी आया से याद है। ओके, भी है देखने का नहीं चीज के बारे में, एक नंबर। अभी GoPro लगाने के लिए 3 हेलमेट मुझे मतलब पसंद है। अब ये सरफेस को मुझे थोड़ा वो घिसना पड़ेगा कांच पेपर से, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तीनों में से कौन सा लूँ। सो गाइस, जो मीटिंग था वो होपफुली सक्सेसफुली रहा है। और किस चीज़ का मीटिंग था, क्या था, वो मैं अभी घर जाके बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी लेट हो गया। ओके ओके। सो गाइस, ये वसीम भाई है रुस्तमपुरा। रुस्तमपुरा में इनका हेलमेट का शॉप है, टिप टॉप हेलमेट एंड एसेसरीज। और इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी प्राइस में हेलमेट दिया है। तो अगर आप सूरत में हो और इनके यहाँ से हेलमेट और एसेसरीज बाइक कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो प्लीज़ इनका कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? चलो सर, बाय। हेलमेट लेने के बाद सीधे मैं घर आया और घर आने के बाद बस आपसे ये बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ मीटिंग किस चीज़ के बारे में थी। तो मेरी मीटिंग थी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, सूरत में है, और दे वांट के मैं उनके लिए ड्रोनोग्राफी करूँ, मतलब उनके जितने भी इवेंट्स हैं उनको मैं ड्रोन से कवर करूँ, और इस चीज़ के लिए वो लोग मुझे पे करेंगे। तो मीटिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी गई है। उनकी जितनी कंडीशंस थी उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी कंडीशन से आई थिंक उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखते हैं, उनका कॉल आएगा कल, फिर जो होगा आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये सब चक्कर में आज मेरा पूरा दिन स्पेंड हो गया है,
और अभी जैसे ही जियान सोएगा मुझे ड्रोन को नाइट में कैसे शूट करते हैं उसके लिए एक छोटा सा टेस्टिंग करना है, तो मैं नाइट में ड्रोन को लेके बाहर जाऊंगा और थोड़ा शूट करके देखूंगा। सो गाइस, अभी ये दो लोग मुझे सिखा रहे बिजनेस कैसे करना चाहिए। आज की मीटिंग की थोड़ी सी डिस्कशन इनके साथ की, तो ये लोग मेरे को सिखा रहे कि ऐसे बिजनेस करो, ऐसे ऐसे। तो गाइस, तो आज सैटरडे है और हर सैटरडे हमारे घर पे बनती है उड़द की दाल। उड़द की दाल अगर आप हर सैटरडे हमारे घर आओगे तो हर सैटरडे आपको उड़द की दाल ही खाने को मिलेगी। तो पूरे हफ्ते का मेनू हमारे घर में सेट है बाय माय मॉम। तो सोमवार को क्या बनेगा मम्मी? सफ़ेद। सफ़ेद मतलब ऐसी चीज़ जो वाइट हो। हाँ। जैसे कि दूध पाक। ओके, और मंगलवार को क्या बनाते हैं? लाल। लाल जैसे कि लाल दाल दाल के ऐसी दाल जो लाल हो। क्या मसूर की दाल? मंगलवार को मसूर की दाल। वेडनेसडे को नॉन वेज के लिए छोड़ दिया है। वेडनेसडे बुधवार को मूंग। ओके, बुधवार को मूंग। गुरुवार को मुझे याद है चने की दाल। फ्राइडे को छोड़ दिया है। नहीं, फ्राइडे को चना। सैटरडे को उड़द की दाल। हाँ, संडे छोड़ दिया है हमारे लिए चिकन खाने के लिए। तो गाइस ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग ये जियो की जिद पूरी कर रहे हैं। तो कब से इधर जलाने के लिए वो चिल्ला रहा था, तो इन लोगों ने जला दिया घर में। चल बस पूरू है बेटा, बस देखो ऐसे करते ही है, बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। ओके सो गाइस, अभी मेरा खाना वाना सब हो गया है और अब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। बाहर मतलब मेरे ड्रोन को नाइट में टेस्ट करने के लिए, और नाइट सेटिंग भी थोड़ा सेट करना है, क्योंकि अगर डील हो गई, मेरी जो मीटिंग हुई थी आज वो डील हो गई, तो मुझे नाइट में भी शूट करना पड़ेगा। इसलिए अभी नाइट की थोड़ी सी मुझे सेटिंग करनी है, ISO, फ्रेम रेट, शटर स्पीड, ये सब मुझे सेट करना है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर नाइट में कभी फ्लाई किया नहीं है, इसलिए अभी बाहर जाएंगे। हमारे टाउन में एक ब्रिज है, ब्रिज पे बहुत सारी लाइट लगी है, तो वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ देखना है कि नाइट में ये कैसा दिखता है। ओके गाइस, तो मैं अभी हूँ हमारे टाउन के ब्रिज पे। नॉर्मली यहाँ पे लाइट्स रहती है, ये देखिए ये खंभा, और यहाँ पे लाइट नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे लाइट्स रहती है, बट आज पता नहीं क्यों पूरे ब्रिज पे लाइट ही नहीं है। तो मुझे थोड़े लो लाइट में मेरे ड्रोन को टेस्ट करना था। तो अभी इस अंधेरे में ड्रोन को फ्लाई करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे रिवर है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट रहती तो मैं देख पाता ड्रोन को फ्लाई होते हुए। अभी देख नहीं पाऊँगा और मुझे थोड़ी सी लाइट भी चाहिए थी। लाइट है वहाँ पर, है वहाँ पर, बट वो थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया है, और नाइट में ऐसे ड्रोन को फ्लाई करना रेसिडेंशियल एरिया पे थोड़ा ठीक नहीं। पता नहीं क्यों आज ब्रिज पे लाइट ही नहीं है, वरना पूरे ब्रिज पे ऐसे लाइट रहती तो मुझे लो लाइट में भी थोड़ा पता चलता है, और अंधेरे में फ्लाई करने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ड्रोन अंधेरे में क्रैश होता हुआ मैंने देखा है, बहुत से वीडियोज़ भी देखे। अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता ना। सो गाइज, मेरी वाइफ सिर्फ वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ सुपर वाइफ है। ये देखिए, सब काम हो जाने के बाद, सब लोग सो जाए उसके बाद ये अपना ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। अरे रुको, तारीफ हो रही है, ये अपना ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। वेल डन। हाँ सो गाइज, इसी नोट के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आजकल हम डेली व्लॉग बनाते हैं, तो कल हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।